आज हम बनाएंगे ये चीज़ बर्स्ट आलू टिक्की। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ये हमारे घर में अवेलेबल सामानों से बन जाएगी और बहुत ही जल्दी जल्दी बन जाएगी। तो इस रेसिपी को ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हमारी रेसिपी शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 4 बड़े उबले हुए आलू लिए हैं और इनको एक मैशर के हेल्प से मैश कर दिया है अच्छे से। कोई भी गुठली नहीं रह जानी चाहिए। अच्छे से मैश करने के बाद मैंने इसमें डाला है स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, ब्लैक सॉल्ट थोड़ा सा और एक बड़ा चम्मच भरकर चाट मसाला। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर और अब बाइंडिंग के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप मैदा। आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है और आलू का एक डो रेडी करना है ताकि हम उसके अच्छे से छोटे छोटे टिक्की बना सकें। इन सबको चम्मच की हेल्प से मिलाने के बाद मैं थोड़ा सा हाथ के यूज़ से इसे अच्छा डो जैसा बना लूँगी। मैंने इसमें थोड़ा सा भी पानी ऐड नहीं किया है, आप थोड़ा सा भी पानी ऐड ना करें। इसके बाद मैंने हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा के इस आलू के मिक्सर की एक छोटी सी लोई ली है और अब मैं इस लोई के बीच में ना एक छोटा सा स्पेस बना रही हूँ ताकि मैं इसमें चीज़ भर सकूँ। यहाँ मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है, आप चाहे तो चीज़ क्यूब का भी यूज़ कर सकते हैं या अगर आपके पास चीज़ स्लाइस है तो उसे भी कट करके आप इसमें डाल सकते हैं। चीज़ अच्छे से भर के साइड साइड से चीज़ को आलू से ही कवर कर दें। अगर आलू कम पड़ जाए तो थोड़ा सा और ले लें इस तरह से ऊपर का एरिया कवर करने के लिए और फिर इसे गोल सा बॉल बनाते हुए एक टिक्की का शेप दे दें हल्के हल्के हाथों से दबाकर। इसे ज़्यादा ज़ोर से नहीं प्रेस करना है नहीं तो चीज़ फटकर बाहर आने लगेगी। हल्के हल्के हाथों से ऐसी टिक्की बना लें। मैंने 2-3 टिक्की इस तरह से बना के तैयार कर ली है और अब मैं एक पैन में यहाँ 2-3 चम्मच घी डाल रही हूँ। आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं या आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो बनाई हुई टिक्की है इसे मैं पैन पे डाल रही हूँ। बहुत ही आराम से इसे पैन में डालें वरना ये टूट सकता है और बहुत ही सुंदर कलर आया इसका, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हुई है जैसा कलर हमें चाहिए। और इस टिक्की को हल्के हल्के से दबाते हुए दोनों साइड से सेक लें और देखिए इसके अंदर चीज़ भरा हुआ है, पूरा चीज़ फिल है। ये देखने में इतना टेस्टी लग रहा है तो आप सोचिए खाने में कितना टेस्टी होगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आई बेट ये आपको बहुत पसंद आएगी। अब हमारी टिक्की रेडी हो गई है तो हमने प्लेटिंग करना शुरू कर दिया है। मैं आपको ये कट करके दिखाऊंगी कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट और चीज़ी है। इसे मैंने एक डिप के साथ सर्व किया, आप मेयोनीज के साथ या केचप के साथ भी इसे खा सकते हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। अच्छा मैं इसे कट करके दिखाऊं, उससे पहले आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका डिश कैसा बना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं इसे कट करके दिखा रही हूँ और ये अंदर से जो चीज़ निकलता है ना गरम गरम, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है खाने में। इस रेसिपी को ज़रूर 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 ट्राई करें, आपको बनाने के बाद पता चलेगा ये कितना टेस्टी है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।